वो भी एक नहीं, एक ही बार में तीन तीन। हाँ? ये भूत मेरे पीछे क्यों पड़े हैं समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन भी वहां बंगले में भूत देखा था, कहीं ये वही भूत तो नहीं है। एक ही घर में तीन तीन भूत। ये क्या बात कर रहे तू? वो कम उम्र में मर गई थी क्या? नहीं नहीं, बुढ़ी होके मरी होगी। जय भाई, वो आपके पीछे पड़ी हुई है, इसे मजाक मत समझिए। किसी पुजारी से इसका इलाज करवाते हैं। आप नहा के आइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए तैयार हो जाइए आप। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। जय भाई, अभी आप अकेले बिल्कुल मत रहिए, मैं आपके साथ में रहता हूँ। इससे अच्छा तो ये तीनों भूतों के साथ ही रहता। हाँ? चल कुछ खाते हैं। जय भाई, थोड़ा दूध पी लीजिए। देव भाई, मैंने जो भूत देखा था ना, ये वही लड़की है। आप उस भूतनी की बात कर रहे हो? हाँ वही है। जवान लड़की ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। जय भाई, देखिए ये पेपर बहुत पुराना है, एक साल पुराना। जय भाई, आपने देखा ना, ये लड़की भूतनी बनकर इस पेपर के द्वारा घर के अंदर आ गई है। कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए वो आपका पीछा कर रही है। भाई, आपको हमेशा सावधान रहना होगा। जय, तुझसे कुछ बात करनी है। शालिनी की मौत के बाद तू बहुत बदल गया भाई। इनफैक्ट तू हमसे खुल के बात भी नहीं करता है। तेरे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर भी तुझे लेकर बहुत परेशान हैं। अगर तू शादी कर ले तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। उन्होंने तेरी शादी के लिए कुछ लड़कियों की फोटोज भेजी हैं, देख ले। ए, अगर तूने मुझसे दोबारा शादी की बात की ना, तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर लेना, लेकिन पहले ये फोटोज देख ले। चल। ये कौन है? हट, कितना डांटता है, हर बात पे डांटता है, मैं नहीं बताऊंगा, जा। ए, बोलना, ये लड़की कौन है? ओ, ये लड़की, इस लड़की का नाम हर्षिता है, इसके माँ बाप नहीं है, गरीब परिवार से। मैं इसे पहले देख चुका हूँ। तो ये अच्छी बात है ना? भूतनी के रूप में। क्या? मैं जिस भूत की बात करता हूँ ना, ये वही है। भूतनी? एक काम करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा और फिर ये जानूंगा कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। क्या बात कर रहा है, लोग लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में वो भूतनी बन जाती है, और तू भूतनी से शादी करके उसे घर में लाएगा? मैं ये नहीं मानूंगा। तू नहीं मानेगा तो क्या, मैं मान रहा हूं ना। ए, सर, शालिनी के मर्डर में जिसपे शक है डॉक्टर जय, उसने अभी भी शादी की सर।
ओह, मेरा शक यकीन में बदल गया। लवर को मरे कुछ दिन भी नहीं बीते और ये शादी कर रहा है। कन्फर्म है इसी ने मर्डर किया है। तुम बस देखते रहना, वो इस लड़की के साथ भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा। तुम उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, उसे जल्दी पकड़ना है, ठीक है? सर, सर, वो शालिनी के ठीक नहीं हुआ, याद रखना। Hey, कौन हो तुम? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? अभी तो मैं तुम्हारे पास हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मरने के बाद भी तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। hey, मुझे बार बार बेवकूफ मत बनाओ। एक साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में तुम मर चुकी हो। मैं? हाँ, तुम। उस दिन तुम ही भूत बनके मुझे बंगले में लेके गई थी और दूसरे दिन भी तुम दो भूतों के साथ मुझे दिखी थी। अब अनजान बनके मेरे सामने नाटक कर रही है। कौन है तू? पता है तेरे बारे में सब जानने के लिए मैंने तुझसे शादी की है। तू आखिर मुझसे चाहती क्या है? ये आपको क्या हो गया है? आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ए, तेरा नाटक पहले भी देख चुका हूँ। सच क्या है, सीधे सीधे बता, बोलना। हेलो डॉक्टर, मैं नर्स रेखा बोल रही। बोलिए। श्रुति मैडम ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, आपको अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया है। मैं अभी आ रहा हूँ। बच गई ऐसा मत सोचना, आके सब पूछूंगा। हे भगवान, हम एटीएम की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुर्दों की रक्षा के लिए अपनी जान देना कहाँ तक ठीक है? हेलो। हेलो, क्या है? क्या रे, तू अपने पति को डरपोक डरपोक बोलती रहती है? अरे, तू जैसे डरपोक को डरपोक डरपोक नहीं बोलूंगी तो क्या विराट कोहली बोलूंगी? ए, व्हाट्सएप पे तेरे लिए एक फोटो भेजता हूँ। 10 मुर्दों के बीच में अकेला ही खड़ा हूँ। फोटो देखने के बाद मेरी डेयरिंग के बारे में बात करना है। क्या हुआ अबे? ठीक से फोटो खींच। अबे हिल क्यों रहा है अबे? फोटो खराब आएगी, समझा? ए, क्या कर रहा है रे? सीधे खींच, चल चल ग्रुप सेल्फी लेते हैं। ग्रुप सेल्फी लो। ओके ओके, थोड़ा मुंह ठीक करने दे। पैकअप होने के बाद मेकअप कर रही है। ए, चल चल, रेडी रेडी। क्या फोटो खराब कर रहा है? तू सही कर, खराब फोटो आएगा। अबे तू भी मुर्दा है क्या? क्या रे, मैं मुर्दा हूँ? चल चल, रेडी स्माइल। No.
सब तो लेटे हुए हैं, फिर भी मुझे जेल क्यों लग रहा है? अभी जो तूने फोटो खींची है ना, आते वक्त प्रिंट करा के लेके आना, समझा? कहाँ से आते वक्त? ऊपर ऊपर उसके ऊपर उससे ऊपर मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। हे मोटे, हे मोटे, चल उठ। क्या कोई सपना देखा? नाइट ड्यूटी क्या सोने के लिए करता है? चल अपना काम कर। ठीक है, मैं चलती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है, इतने लेट आए हो? जय, व्हाट हैपेंड? वो मुझे फोन आया था कि तुम स्लीपिंग पिल्स खा के सीरियस हो गई हो। मैं? हाँ, तुम बहुत सीरियस हो, ऐसा नर्स रेखा ने बताया मुझे। रेखा नर्स? वो तो यहाँ नहीं है, वो 2 दिन से आउट ऑफ स्टेशन है। क्या कहा? पर मुझे तो हॉस्पिटल के लैंडलाइन से फोन आया था। आर यू श्योर? फोन पे रेखा ही थी? या, आई एम श्योर। ये सब उसी का काम हो सकता है। जय, बिल्कुल सही कह रहा था यार, मैंने अपनी पत्नी के साथ अब तक जो भी किया गलत किया, उसे मारा पीटा, छे, मैं तो खुद पर शर्मिंदा हो रहा हूं यार। वो भूतनी बिल्कुल हर्षिता की तरह दिखाई देती है, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अब तो शक नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, हर्षिता भूतनी नहीं है, लेकिन वो भूतनी इसकी तरह दिखती है। ए, क्या बात कर रहा है, कोई डबल एक्शन मूवी चल रही है क्या? ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूं यार। अरे रुक, घर से फोन आ रहा है।
हाँ बोलिए भाभी। ए एक मिनट। एक मिनट किस लिए? फोन मुझे दे। भाभी जय आपसे बात करना चाहता है, ये लीजिए। हेलो। 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 हाँ बोलिए। सॉरी। ये आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी। क्या है यार, क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना के रखा है तूने? अब हेलो दो बार बोल चुका है, आगे बोलना। अरे यार सॉरी बोल के मामला खत्म कर। थोड़ी देर चुप रहना यार। ए भाई तेरे ये सब नाटक के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है अभी। चल फोन दे इधर। अरे यार तू कैसे इडियट की तरह बिहेव कर रहा है? अरे भाई मुझे सच में एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। चल तू भी आ जा। बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सो रहे एक चादर में, हम आओ बेटी। ए, तुम तो अंदर थी ना? जय तुम्हें क्या हो गया है? मैम ये तो अंदर थी मैम। देखा ना मैडम, ये हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैम ये झूठ बोल रही है मैम। हर्षिता मॉर्निंग से ही मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल में कैसे आएगा मुझसे पूछ रही थी। ये बहुत दुखी है। आपको पता नहीं है मैम, ये लड़की नहीं भूतनी है और मेरी जान लेने के लिए ये मेरे पीछे पड़ी है। ए, नाटक क्यों कर रही है? हम? अरे अपने आप को क्या समझती है? जय छोड़ो से। जय तुम पागल हो क्या? मैंने इस पर यकीन नहीं किया था लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे इस पर यकीन होने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ मैम, मेरा भरोसा कीजिए, ये भूतनी है। ये सब तेरा काम है ना, क्यों मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है? जय जय क्या कर रहे हो, छोड़ो। देखा ना मैम, फर्स्ट नाइट को भी इन्होंने ऐसे ही हरकत की थी। अब मैं इनको कैसे समझाऊं? मेरे हाथ से इनकी लवर का फोटो गिर के टूट गया,
तब से ये ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे मार रहे हैं। मैम ये झूठ बोल रही है मैम, मेरी शालू की फोटो टूटी नहीं। तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। मैम आप समझ नहीं रही हैं। हेलो मैम। ए राधे, जब तू और मैं कॉफी शॉप में बैठे थे तब इसने कॉल किया था ना, तब मैंने इसे सॉरी बोला था। मैम को बता ये सब। क्या बात कर रहा है, मैं और देव सामान लाने के लिए मार्केट में गए थे और तू बोला कि मैं तेरे साथ कॉफी शॉप में था और तूने इसको सॉरी बोला। क्या हो गया तुझे यार? तुझे हो क्या गया? तू भी इसी का साथ दे रहा है। जय, जय, ये सब क्या है? क्यों मेंटल की तरह बिहेव कर रहे हो? मैं कहाँ मेंटल की तरह बिहेव कर रहा हूँ? सॉरी मैम, मैम, प्लीज मैम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ए, तू जो चाहती है मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे साथ खेल रही है, खेलेगी तेरी तो नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? देखो मैं तुमसे विनती करता हूं, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो प्लीज। ए, ये रोना धोना बंद कर, सब कुछ करने के बाद रोने का नाटक कर रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रिलैक्स जय। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, मुझे एडमिट क्यों किया? ए, तू इधर भी आ गई, चल निकल बात बाहर निकल। जय कंट्रोल योरसेल्फ। मैम ये लड़की नहीं भूतनी है, चल निकल बात प्लीज। जय तुम्हें 3 दिन रेस्ट लेने की जरूरत है। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है मैम। शालू के जाने के बाद तुम बहुत डिप्रेशन में आ गए हो, इसलिए तुम्हें फिजिकली और मेंटली रेस्ट लेनी चाहिए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जय तुम भी एक डॉक्टर हो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट। टेक केयर। जय के नॉर्मल होने तक तुम उसे ना मिलो तो अच्छा है। सॉरी बेटी। देख मैं तुझे शुरू से समझा रही हूँ, तू भी जैसे मिलने उसके घर पे जाया करती थी, अब देख उसके अगल बगल में कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। उसकी हालत देखी, जब से उसकी शादी हुई है उसको इतना टॉर्चर किया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। जय की फर्स्ट नाइट ना हो इसलिए तूने मुझसे बोला था कि उसे फोन कर, मैंने तो उसे फोन भी किया लेकिन क्या हुआ? प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं जो बोल रही हूँ वो तेरे लिए सही है। क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सिस्टर सिस्टर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, मैंने उनके लिए व्रत रखा है और मंदिर से ये विभूति लाई हूँ। अगर आप अपने हाथों से उनके माथे पे लगाकर उनके पिलो के नीचे रख देंगे तो अच्छा होगा। एक और बात सिस्टर, ये मैंने दिया है उनको मत बताइएगा। इसे जय डॉक्टर भूतनी बोलते हैं, कोई भूतनी मंदिर जाएगी क्या? इस तरह मंदिर से विभूति लेके आएगी क्या? तू ऐसे कैसे बोल सकती है, तुझे कुछ पता है क्या? ए, कोई भूतनी मंदिर जा सकती है क्या? वो विभूति लेकर भगवान की फोटो को हाथ लगा सकती है क्या? ऐसी बात नहीं है मंजू, आजकल कुछ भी हो सकता है। काली नीली शूली, काली ओम काली नमः, चली जा। तू चली जा, जाएगी कि नहीं, जा जा। ओम काली। आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज अंधविश्वास की दुनिया प्रोग्राम में मैं स्वामी वासुदेवन से मिलने आया हूँ और हम देखेंगे कि स्वामी जी लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और ये सब आप लोगों के सामने सब कुछ लाइव होगा। आपका दिल भी धक धक कर रहा होगा ये सब देखने के लिए, तो आइए देखते हैं। अभी हम स्वामी जी से कुछ सवाल करेंगे। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार।
स्वामी जी, आज के जमाने में भी भूत पिशाच होते हैं क्या? दर्शक ये जानना चाहते हैं। तुम भगवान पर भरोसा करते हो? हाँ, करता हूँ स्वामी जी। जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वैसी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तुम्हें पहचानना होगा, यहाँ लोग आते हैं जब उन्हें भूत प्रेत नुकसान पहुँचा देते हैं। कोई रास्ता नहीं होता, वो मेरे पास ही आते हैं। कोई भी इंसान भूत प्रेत से लड़के जीत नहीं सकता। ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए हम लोग हैं जो उन पर काबू पा सकते हैं। अभी हम आश्रम में आए कुछ लोगों से बात करेंगे। तुमने अपनी समस्या बता दी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा तुमने कहा, तुम्हारी पत्नी को वश में करने में तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उनके साथ तीन बुरी आत्माएं और भी हैं। इसके लिए तुमने उन तीनों को जहां एक साथ देखा था, उसी स्थान पर तुम्हें उसे वहां लेकर आना होगा। लेकिन वो वहां नहीं आएगी। अब जितना मैंने कहा उतना करो, आगे का काम मेरा है, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ लोगों की अकाल मृत्यु होने से बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं, वैसा ही इस लड़की के साथ भी है। तुम्हारे चारों तरफ बुरी शक्तियां हैं, वो तुम्हारे विरुद्ध आवाज उठाएंगी, वो शांति से जीने नहीं देंगी, तुम परेशान रहोगे, ठीक है? तुम आज रात को 12 बजे उसे उस स्थान पर लेकर आना जहाँ तुमने उसे देखा था। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है स्वामी जी। भाई जय भाई, भाई आप आ गए। भाई आपके सही होने के लिए मैंने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी थी। भाई भाई आप ठीक हो गए ना? भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे भाई, भाभी जी, भाभी जी। अजय क्या हो गया यार तुझे? ए सॉरी यार, मैंने गुस्से में तुझ पर हाथ उठा दिया, गलत मत समझना यार। छोड़ यार, तूने काफी सालों बाद मुझ पर हाथ उठाया है। पिछली बार जब तूने मुझे मारा था तब मैं 6 साल का था। हर्षिता, I'm sorry. तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। फिल्म अच्छी लगी ना? मुझे पसंद नहीं। क्यों? मुझे तो अच्छी लगी, बहुत सस्पेंस और थ्रिलर भी था। तुम्हें भूत की फिल्म अच्छी लगती है मैं जानता हूं। कैसे? सुनिए, हम अभी कहां जा रहे हैं? बताता हूं। ये हम कहां आए हैं? एक आदमी से मिलने आया। यहाँ इस वक्त किससे मिलने? नीचे उतरो, बताता हूं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो। मैं यहीं रुकती हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप जाके आ जाइए। मैंने कहा ना चलो। अभी तो दरवाजा बंद है, हम सुबह आ जाएंगे। तुम चुपचाप चलोगी या नहीं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। क्यों? यहाँ लाइट नहीं है, तुम ये नहीं जानती क्या? नाटक मत करो, तुम अंदर नहीं आओगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो।
मैं अंदर नहीं आऊंगी प्लीज। ओम कालेय नमः, ओम काली, ओम नीली, ओम शूली। स्वामी जी, आपने जैसा कहा था मैं इसे लेकर आ गया। ओम काली शूली, ओम काली, ओम काली। डॉक्टर, आप वापस यहाँ क्यों आए हो? आपको यहाँ आने से मना किया था ना? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? चुपचाप गेट के बाहर चले जाओ। कहाँ गया था? आने में बहुत देर हो गई। भाई, आप भाभी जी को बाहर लेके जाने वाले थे ना? वो कब से तैयार हैं? उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, ऊपर ही हैं। हर्षिता ऊपर है क्या? हाँ भाई। हर्षिता, हर्षिता, ए, नाटक कर रही है क्या? आज कोई ना कोई फैसला जरूर लूंगा। चल, क्या हुआ? चल, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे जय, क्या कर रहा है? अरे जय, छोड़, छोड़ ना। अरे क्या कर रहा है? तू इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जय, मेरी, मैं मेरी बात तो सुन। जय रुको। जय क्या कर रहा है? जय, ऐसा मत कर, गलत कर रहा है। जय, जय रुक जा। अरे रुको भाई, चलो। जय, अरे भाभी को क्या कर रहा है? जय, जय तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। जय, अरे ये मत कर यार, मत कर। ये क्या कर रहा है? जय, मत कर ऐसा। अरे तू गलत कर रहा है। जय, मेरी बात तो सुन, हम लोग बैठ कर बात कर सकते हैं। जय, जय रुक जा। अरे जय, मेरी बात तो सुन, हम लोग बैठ के बात करेंगे। जय, ऐसा मत कर। हाँ, आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी और लौट के ही नहीं आऊंगी। चल जा। भाभी प्लीज, एक और बार उसे माफ कर दो। इससे आगे मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। भाभी, इस वक्त आप रात को कहाँ जाएंगी? मान जाइए ना प्लीज भाभी। तू कोई आदमी है क्या? पता है भाभी रोती रोती गई अभी। तुझे इसके लिए बहुत बड़ा पाप लगेगा। माफ कर भाई, तू अकेला ही खुश रहे यहाँ पर। कल हम लोग भी गांव चले जाएंगे, वरना हम लोग को भी तू भूत समझ के बाहर निकालेगा। मैं तुझ जैसे पागल के साथ नहीं रह सकता।
भाई Yeah.